કીમ નજીકના કોઠવા ગામ ખાતે આવેલ હિન્દુ મુસ્લિમ ધર્મના લોકો માટેના આસ્થાના પ્રતિક હઝરત પીર મકદુમ શહીદ બાબાના દરગાહના ત્રિદિવસીય ઉર્ષ શરીફની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. કોઠવાની પ્રસિદ્ધ દરગાહમાં ઉર્ષ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ઉમટીને દરગાહને ચાદર ચડાવી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. ત્રિદિવસીય કાર્યક્રમમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમોની સાથે કવાલીનો પણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આજ તારીખ 26/11/2022 शनिवार आज बाबा हज़रत मखदूम शहीद बाबा बावन गज के सहनसा उनका आज संदल शरीफ है. अभी कुरान खाने की तैयारी है. आज इस उर्स और संदल शरीफ के मौके पे हज़ारों लाखों की तादाद में पब्लिक आई है. इस पब्लिक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए हैं और बाबा हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं. कल हज़रत शेरिली बाबा का संदल शरीफ का प्रोग्राम है. परसों के दिन 28 तारीख को कौमी एकता पे कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है. इसमें रईस अनीस साबरी और अजीम नाजा मुंबई के मशहूर कव्वाल इनका मुकाबला रखा गया है. जो कव्वाली के प्रोग्राम में कौमी एकता पे हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर कुछ चीज़ें सुनाई जाएंगी. और इस दरबार में आज जो भी पब्लिक दूर दूर से आई है हम सब के लिए दुआ करते हैं बाबा मखदूम से कि बाबा मखदूम जी इनकी हर मनोकामना पूरी करें, इनको खुश रखें और हमारे देश में सुख अमन और शांति रहे. ऐसे हमारे दिल की तमन्ना है.